वेद के मेले आशीर्वाद चमन से अपने वेद की मेले रुआ गैल्ला लोकसभा चुनाव ने क्या पपरा ना वेला चेहरे रंगे ला तो गैल्ला तो चेहरे तो बोचे रहते विचारा ये कहीं कोई सा ए दही मारी तो रे नमस्कार करो रे इधर है दही मारी अच्छी ना सर के तले आलपास सर के इधर है दही मारी उर्दू तले माता ने दही बोलते दही मारा व्यक्त पट पड़ी अंत शंकर दयमारी संख्यदल्ली अल्पसंख्यात कारण के ना उर्दू दल दयमारी तप पाउसो मैत्री अभ्यर्थी एच पी नंजप हम लोग इधर सब्जम हुए आने वाले 23 तारीख को जो लोकसभा का जो इलेक्शन है जो कांग्रेस का यानी जेडीएस कांग्रेस दोनों का कैंडिडेट यानी मैत्री बोले तो 50-50 होता यानी कांग्रेस का था जेडीएस का था उसे मैत्री कैंडिडेट बोलती तो मैत्री कैंडिडेट के लिए हम लोग इधर जमा हुआ आप लोग सब जानते हैं आज सब अच्छी तरह से जानते हैं आज देश की हालत क्या है करके किस तरीके से देश चल रहा है जो बीजेपी जो 2004 से लेके 2000 तक जो हुकूमत थी अवाम में भरोसा करके 2014 के अंदर देश के अवाम में भरोसा कर दी नरेंद्र मोदी साहब के लिए क्यों भरोसा कर दिए वो जिधर भी जाते थे भाई लेके आऊंगा देश का अच्छा होएगा भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे करके हर जगह भाषण करते थे आए हुए गरीबी के बारे में जानते हैं रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाले हैं ये प्रधानमंत्री है तो देश की भलाई होती है सूझ को क्या करे उनको प्रधानमंत्री भरोसे के ऊपर बना वाले कैसा मुर्गे इब्राहिम साहब बल बात ऊपर हो हाँ मुर्गे इब्राहिम साहब ऊपर तुम्हें दो पहलवान थे तो ये क्वालिफायर पहलवान कर को ये मुर्गे इब्राहिम साहब देखो भरोसा कर को अच्छे दिन आए अच्छे दिन आए के बाद नहीं मानता नहीं अच्छे दिन आए देश के हम के अच्छे दिन नहीं आए जो नरेंद्र मोदी साहब हम रेलवे स्टेशन में क्या बेचने वाले के 10-15 लाख का सूट डालने के लिए उनके अच्छे दिन है देश के अच्छे दिन है हर भाषण में लोगों सबका साथ सबका विकास अरे भाई किसका साथ किसका विकास सबका साथ का मतलब क्या 130 करोड़ आवाम है उसको उनका साथ मिला दिन को यानी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई विकास किसका चल रहा विकास किसका चल रहा नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह का अंबानी का विजय मल्या का आरएसएस का बीजेपी का विकास ही चल रहा जब भी देखो महीने में एक बार मन की बात पवन तो देखो हमारे जोन जो पका करते खा ले को उसके साथ मन की गति ये माटी में लेकिन जरूर छोड़ दो होगा इन्हें दुनिया आने के साथ हम के साथ मन की बात करते हैं हमने मन के रहे बात सुना सो हमने काम की बात सुना सो नरेंद्र मोदी जी क्या होना सो काम क्या तो है इनका अब तमाम इतना तो हाजी साहब आज मैं भी सब जगह प्रचार कर हमारा राजा चामराजनगर गया था मैसूर गया था कोलार गया था चिकवालपुर गया था हुबली गया हवेली जाकर हूँ जिधर जिधर प्रचार को जा रहा हूँ हर जगह आवाम के अंदर गए वोट किससे डालती दूर कुछ के अंदर नहीं साहब हमें देश बचाने के वास्ते वोट डाल रही ठीक है मैं देश बचाने के वोट डाल रही किसे डाल रही नहीं साहब क्या है देश की जो पार्टी से बोल सकता हूँ वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रधानमंत्री हुआ तो इसी तरह को आवाम के अंदर जनता है वो लग रहा 2014 से 2019 तक बहुत से उम्मीदवार के थे नरेंद्र मोदी साहब के पास नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर मगर वो उम्मीदा आवाम के जाया हो गए सिवाय नफरत के सिवा हिंदू मुसलमान की नफरत के सिवा और दूसरा काम उन्होंने करी उनके हाल ही के मैनिफेस्टो के अंदर बाबरी मस्जिद बनती है 2000 बाबरी मस्जिद करी राम मंदिर बन को देते हैं 2014 के मैनिफेस्टो में करे थे 2014 के मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो के अंदर था तो उनकी गवर्नमेंट थी उनकी सरकार थी राम मंदिर नहीं बने अब फिर वापस हाल ही के अंदर आपके मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बार भी राम मंदिर बनती है नरेंद्र साहब मोदी बोल को ये वोट लेने की जद्दोजहद कर रही हमें नरेंद्र मोदी साहब एक ही करना की तरफ है एक ही रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी साहब को हमें कौन भी मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ थे हमें कोर्ट में केस चल रहा हो कोर्ट में जो फैसला होता है बंदे हमें मुसलमान क्या होती है हमारा देश के अंदर अमन सुकून होना एक जगह मंदिर बनो एक जगह मस्जिद बनो मस्जिद तुम्हें कोई भी बनने की जरूरत नहीं बीजेपी वाले हमारे फ्रिश्ते आपको मस्जिद बनने की मंदिर हमें बनी गए कहते हमें बनी गए कि खाली लगा को साथ पात नफरत दार को हिंदू मुसलमान को फसाद कर को नफरत की दार को बीजेपी वाले वोट लेने की कोशिश कर रही ना ही ना हिंदू आगे होते ना ही ना मुसलमान आगे होते ये माटी में लखा आदि पवन के भूखे और किसके भूखे नहीं कुछ आगे भूखे साबित कर रहे 5 साल के अंदर
पांच साल के अंदर उनका कार्यक्रम मैनिफेस्टो के अंदर देखिए, मेक इन इंडिया फेल, डिजिटल इंडिया फेल, स्मार्ट सिटी फेल, वुमन सेफ्टी फेल, स्टार्टअप इंडिया फेल, स्किल इंडिया फेल, ब्लैक मनी फेल, ब्लैक मनी काला धन लेके आ जाऊंगा, हर अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए डालूंगा, लेने का 99% काला धन आगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में डाले, 15 लाख तो 15 हजार निकले। हमारे जो भी मैनिफेस्टो का तुमने क्या दिया, देखो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जो मैनिफेस्टो जो वही वो पूरे मैनिफेस्टो आज तक इम्प्लीमेंट करो, तो मैनिफेस्टो खाली होते हैं। इन काला धन लेके आऊंगा 99% आगा, आज राहुल गांधी उनके मैनिफेस्टो के अंदर करी गरीबों को हर महीना 6000 रुपए हमें दे दी अकाउंट में डालती, यानी महीने के 70 पर 2000 रुपए गरीबों के अकाउंट में डालती अगर हमारी हुकूमत आई तो। ये खाली बहुत बोलने की बात नहीं, और कांग्रेस पार्टी जब जब मैनिफेस्टो में करी घर को दिखा, कोई 2 करोड़ आवाम को मैं नौकरी दूंगा, 2 करोड़ आवाम को नौकरी दे दूंगा बोली, 2 करोड़ तो छोड़ो 2000 आदमी को भी नौकरी नरेंद्र मोदी से दे सके। आज गैस कनेक्ट करके तुम्हें साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर के अंदर मेरे हिसाब से 400 रुपए जो गैस का था वो 400 रहा। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर होने के बाद गैस तो सबको जरूरत है, मैं भी फूड एंड सर्विस का मिनिस्टर हूँ, अब हमें केबल मशीन फ्री करके हर जगह गैस कनेक्शन दे रही, हर जगह गवर्नमेंट से दे रही, एक गैस भी तुम्हें फ्री दे रही। आज गैस 400 रुपए का गैस था, 950 रुपए गैस का होगा, कितना होगा 950 रुपए। काम भी महंगाई, पेट्रोल का प्राइस वो टेम्पो कितना था दो, आज कितना है पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल और डीजल का प्राइस है 2014 के अंदर से पहले जो था पेट्रोल का डीजल का प्राइस है कम से कम 40 रुपए बढ़ पाए, यानी ये लगी सो ये मेक इन इंडिया का, सो मेक इन इंडिया का मतलब क्या बोलो, इंडिया इंडिया बना लीजो, इनके बाप ने लेकर देख दिया, गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जी उन्होंने आजादी दिला को ही जो, नेहरू जी आजादी दिला को ही जो, आजादी के खिलाफ थे जो बीजेपी वाले छठे आरएसएस के ब्रिटिश के एजेंट ये हुकूमत ने जो क्या बोलो खिलाफ, आज मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया तुम्हारी माता इंडिया का वाला सब मान तुम्हारा मांगने के बाबा सामने तो लेके आमने सामने करेंगे, खाली पीछे देख लो और सामने बात करना चाहिए, टांग की बैठ जाओ पर्दे के पीछे तीन के अंदर बात करते मन के बच्चे लो और सामने से की रे बात कर रहे कौन मने इंडिया कर दो अरे बोलो तो बोलो ये जिन बोलो स्वातंत्र के लिए इष्टा इल्ला ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದಿರೋದು, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಿರೋದು ಇದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಇವರಪ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವರಪ್ಪ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವರಪ್ಪ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವ್ರ ತಾತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಾನೆ ಆಗಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಓ ಸಮಾನ ಹೋಗೋದು ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಿ ಪೂರ ಕೇವಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಿ सबको मालूम है, हरि से नौजवान से बुजुर्ग से राजस्थान वाली ये इलेक्शन जनता दल का इलेक्शन है, ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है, ये इलेक्शन सिद्धरामय्य साहब का इलेक्शन है, ये इलेक्शन देवेगौड़ा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन शिवशंकर का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जबीर अहमद खान का इलेक्शन है, ये इलेक्शन सैफुल्ला का इलेक्शन है, ये इलेक्शन अमानुल्ला का इलेक्शन है, ये इलेक्शन देश बचाने का इलेक्शन है। अगर देश की भलाई चाहती, अगर तुम लोग देश को चाहती, देश को चाहती, ये देश बचो इलेक्शन बढ़ा दो। ये होने का मकसद क्या है, जब से आजादी आई जब से इलेक्शन को है ये रीतल पार्टियां आपस में कांग्रेस से बहिबूटी कर लेगा तो चला लेंगे इसको पूरे इसमें चले आंध्र के तेलंगाना बाबू ने तेलंगाना आंध्र का चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस साथ मिला हुआ है का सारे मिला हुआ है केरला में जो तुम्हें केरला में कांग्रेस के 47 कर रही तमाम रीजनल पार्टियां एक होने की जरूरत क्या है। आज आज कर्नाटका का इतिहास के जल में जनता दल गवर्नमेंट फॉर्म करी और उन्हें सपोर्ट दिए कांग्रेस धर्म सिंह चीफ मिनिस्टर बनाया 2018 के अंदर कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करे कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बन वही गवर्नमेंट फॉर्म कर वही इलेक्शन कभी साथ में कभी नहीं चलिया। रीजनल पार्टियां इलेक्शन करने का मकसद क्या है,
फॉर्म रिटर्न पटेगा मांगना आज कान की उन दूर लगे इस तरफ से ये 2014 से 2019 तक देश की हालत देखो आने वाले दिन के अंदर बीजेपी नरेंद्र मोदी आ गया तो ये देश खत्म हो जाता ये अमन सुकून चल जाता तो तमाम अभी नॉमिनेशन फिर नहीं हुए थे अभी फाइनलिस्ट नहीं हुआ था अभी कैंडिडेट फाइनलिस्ट नहीं हुआ था मैं वेणुगोपाल साहब फोन करके साहब दर्जा को देने बड़ा सबसे बात करूँ तुम्हें 12 सीटें पूछ रही एटलीस्ट को कितने देना चाहते हो जरा पूछने को मुख्यमंत्री भेजे थे मैं जाकर देवेगौड़ा साहब को पूछा साहब ऐसा वेणुगोपाल साहब बोली तुम्हें 12 सीटें पूछ रही देना आखिर कितने होना तुम्हारा तो देवेगौड़ा साहब बिठा के बोले जमीराम खान भाई इधर देख आदमी उम्र 80 पर 7 साल होगा भाई मेरी उम्र 80 पर 7 साल अब मैं इलेक्शन को कैसे ठहरना तो मैं इलेक्शन को नहीं ठहरना तो कानून कर रहा था आज मैं इलेक्शन को ठहरना तो ठान रही हूँ इलेक्शन को ठहर हूँ वजह मैं भी एक प्राइम मिनिस्टर होता था मैं भी एक चीफ मिनिस्टर होता था काम किए कहना देश खत्म होने के साथ इतना मुझे मेरे जीते जी मैं देश खत्म होने देता नहीं 12 साल अमन लगे देवेगौड़ा हर चीज को सैक्रिफाइस करते हो आ तमाम रीजनल पार्टियां एक हो गया करी ना ये देश बचना तो राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी से देखो तमाम रीजनल पार्टियां एक हो गई आज तुम्हें समझना देश किसका ये किसका ये बचाना उसको बचाना हमें आज तुम्हें निकलना महीना में शिवशंकर नवे सैफुल नवे नवे शकील नवाज नवे बाबा साहब नवे अमानुल्ला नवे हमें सियासत दाना पर आज आज समाज से ज्यादा देश का दर करके सो देश की आवाम तुम्हें तुम्हारा सब बनता हम इतना तुम्हें ये तेरे से निकले नहीं निकली चारा कि दीवारें जब भी खाना खाना होगी मैं खुला से कह नहीं सकता माहौल बहुत खराब है और ओपन बोलती ना बीजेपी ने हम ना मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है मुसलमानों की जरूरत नहीं है हाल ही के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था भाई हमारा लड़का पा गया पिंजारे का एक फंक्शन हुआ पैलेस रोड के अंदर तुम्हारे दावेगर से भी बहुत आदमी आए थे दावेगर चित्रदूर हरियाणा तरफ ज्यादा करते पिंजार उन्होंने स्टेट लेवल एक फंक्शन कर दी पूरे उन्होंने कम से कम लदाफा का एक कार्याध्यक्ष को बोलिया साहब हमारे अध्यक्ष को बोलो जरा बीजेपी तरफ ही उन्हों जरा उनको समझो हो गया मैं बोला नहीं बात सवाल इसलिए पैदा होता अपनी बीजेपी को मुसलमान जाना तो दूर की बात मुसलमान वैसा है तो भैया तो मेरे हिसाब से कौन नहीं स्पीच के अंदर बोला वैसा कहते हैं मुसलमान अगर वोट का बीजेपी को दिया तो उन्हें मेरी अभिप्राय उन्हें मुसलमान नहीं कर बोल को स्टेटमेंट दे रहा वो बीजेपी वाले क्या करें उसे बड़ा इशू कर को प्रोटेस्ट करे सब करे उनको क्या मालूम ये मन पठान का बच्चा किसे डरता नहीं करो क्या मालूम मैं खेल में इधर क्या तो कर छोड़ दिया बाद में क्या करे ज्यादा की ज्यादा करने से क्या करे एक रखा तो कैमरा उन्हें लिंगा समाज का इलेक्शन जीते थे मैं उन्होंने साथ में कितने पार्टी में इलेक्शन जीते थे खाली उन्होंने लिंगा जो साथ में लेते हैं उनका फर्ज बनता है एमएलए होने के बाद मेरे ख्याल से हर कौम को लेने को जाने वाला उन्हें सच्चा लीडर सच्चा वैभव देते हैं फर्ज बनता हम कर्तव्य हैं ना गलती में यार वोट कोटो बिटो नम दो मुस्लिम है अगर ना 40 लीडर गलती ना पर मुस्लिम वोट कोटो नहीं है ना 75 2000 वोट मुस्लिम है नम दो 60 साल